Now we start the Active Directory Titan services. You कैसे करना है Active Directory Titan services? सबसे पहले start admin tools से जाने Active Directory Titan services में. यहाँ पर site expand करने यहाँ पर इस साइट पे राइट क्लिक करना है न्यू साइट साइट हम प्रिपेयर करते हैं ठीक है पहली साइट एक प्रिपेयर करी डिफॉल्ट आईपी साइट लिंक में ठीक है एक हमने प्रिपेयर करी साइट मुंबई की ये भी लिंक किया डिफॉल्ट आईपी साइट लिंक से दिल्ली दिल्ली के अंदर यहाँ पे मैं सर्वर पे ऐड कर देता हूँ डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम से सर्वर को जैसे सर्वर वन मेरा फर्स्ट रूट सर्वर है ठीक है तो चेक कर लेते हैं ये अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये सर्वर वन खुला हुआ है रूट सर्वर इसको हम एपीडीएनएस का चेक करते हैं फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम server1.google.com तो ये हम सबसे पहले रूट सर्वर इसको रीनेम करते हैं यहाँ लिखते हैं रूट सर्वर तो मूव करा देते हैं दिल्ली के अंदर ठीक सुना देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास एडीसी है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर इसका फुल कंप्यूटर नेम देखते हैं server5.google.com तो सर्वर फाइव हमारा इसका क्या है एडीपी तो एडीसी को हम मूव करा देते हैं मुंबई ब्रांच से ओके तो ये हमारी साइट बन गई ठीक है नाउ साइट लिंक हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे साइट लिंक बनाने से पहले मैं आपको जीसीएस बताता हूँ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर ये सर्वर जो होता है कि इसके थ्रू ग्लोबल कैटलॉग के थ्रू हम सर्चिंग कर सकते हैं पूरे नेटवर्क के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को क्विकली एंड इजीली ठीक है जैसे जस्ट लाइक एग्जाम्पल आउटलुक बेस्ट एग्जाम्पल है अब किसी अपने फ्रेंड की ईमेल आईडी के थ्रू हम उसको सर्च करना चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं नेटवर्क के अंदर वो सर्च कर सकते हैं ठीक है सर्वर वन पे एनटीडीएस सेटिंग्स में हम ग्लोबल कैटलॉग सर्वर देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में तो ग्लोबल कैटलॉग रूट सर्वर में बना हुआ है एक बॉक्स टिक लगा हुआ है यानी ये जीसीएस सर्वर है अगर मैं एडीसी सर्वर से देखता हूँ प्रॉपर्टीज में तो यहाँ पर एनटीडीएस सेटिंग्स में देखते हैं ये भी ग्लोबल कैटलॉग है यानी कि जो हमारी सर्चिंग है और एप्लीकेशन टोपोलॉजी है वो क्विकली बनेगी और सर्चिंग भी क्विकली होगी फास्ट ठीक है नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम इस साइट को एक लिंक से कनेक्ट करना चाहते हैं दिल्ली या मुंबई को तो उसके लिए हमें क्या करना है हम इंटर साइट ट्रांसपोर्ट में जाएंगे आईपी को एक्सपेंड करेंगे राइट क्लिक करते हैं न्यू साइट लिंक बनाते हैं राइट दिल्ली टू मुंबई ठीक है ये कनेक्ट करते हैं इसमें हम ऐड करते हैं साइट इन दिस साइट लिंक दिल्ली एंड मुंबई को ठीक है एंड आफ्टर ओके करते हैं दिल्ली मुंबई ऐड होने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं यहाँ पे हमें कॉस्ट टाइम पता लगेगा कॉस्ट टाइम यानी कि जितनी हमारी बैंडविड्थ है उसमें से अवेलेबल यूज बैंडविड्थ जितनी हम कर रहे हैं वो हमारी कॉस्ट होती है और रेप्लिकेट हर 180 मिनट पे ये करेगा एक सर्वर से दूसरे सर्वर में यानी एक साइट से दूसरे साइट में अगर हम रेप्लिकेशन का शेड्यूल लगाना चाहें रेप्लिकेशन यानी ऑब्जेक्ट ट्रांसफर करना एक सर्वर से दूसरे सर्वर में अगर रेप्लिकेशन का हम शेड्यूल लगाना चाहते हैं तो चेंज शेड्यूल पे जाके यहाँ पर हम रेप्लिकेशन का शेड्यूल लगा सकते हैं कि लेट्स से जाता हूँ ट्यूजडे से फ्राइडे इतने टाइम से 7 AM to 12 AM मेरे पास एप्लीकेशन अवेलेबल ना हो
काफी टाइम पर एप्लीकेशन अवेलेबल है, तो हम ये चीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर सिनेरियो, जो भी हमें हमारी रिक्वायरमेंट है हम यहाँ पे एप्लीकेशन शेड्यूल लगा सकते हैं, अप्लाई करते हैं ओके। ये हमारी एक राइट लिंक है, ठीक है, राइट लिंक पे कॉस्ट टाइम एंड एप्लीकेशन इंटरवल 180 मिनट का ये दिखाई देगा। देन हम साइक्लिंग ब्रिज बनाते हैं, तो न्यू साइक्लिंग ब्रिज करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं साइक्लिंग ब्रिज बनाते हैं हम, लाइक IBM कॉर्पोरेशन का अगर ये साइक्लिंग है तो हम यहाँ लिखते हैं IBM, और डिफॉल्ट IP साइक्लिंग और दिल्ली मुंबई ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये साइक्लिंग ब्रिज बन जाएगा, ठीक है राइट। और इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं है, जैसे कॉस्ट और एप्लीकेशन टाइम आपका इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। उसकी ये करने के बाद हम इसको मिनिमाइज करते हैं, एक नया यूजर बनाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर साइड कंप्यूटर में, और एप्लीकेशन चेक करते हैं कोई भी एप्लीकेशन मेरा ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे मैं google.com पे, मैं रूट सर्वर पे हूँ, मैं google.com पे एक नया ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को शेयर करता हूँ IT के नाम से, राइट ओके करते हैं। और इसमें एक IT पहले से बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सेल्स बना देते हैं, सेल्स के अंदर एक नया यूजर बनाते हैं, इसमें यूजर 1 के नाम से बनाते हैं, यूजर 5 यूजर लॉगआउट नेम दे देते हैं, पासवर्ड ASP-123, यूजर कैनॉट चेंज पासवर्ड, पासवर्ड नेवर एक्सपायर, ये दे दिया। नहीं, अगर हम हमारा ADC में विदिन अ सेकेंड एप्लीकेशन हो रहा होगा तो हम यहाँ पे चेक करते हैं स्टार्ट एडमिन टूल्स में एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, यहाँ पे सेल्स यूजर आ गया, यूजर 5 OU आ गया और यूजर 5 यूजर आ गया। ये सारा एप्लीकेशन है जो कि ADC में अवेलेबल है, ठीक है, मतलब विदिन अ सेकेंड यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगा। और अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी साइकिल सर्विस भी चेक करूंगा तो वो भी रेप्लिकेट कर चुका होगा सारी इन्फॉर्मेशन। सी साइट एक्सपायर करता हूँ, दिल्ली सारे सर्वर्स आ गए जो मैंने चेंजेस किए थे रूट सर्वर में, मुंबई का सर्वर आ गया, इंटर साइट ट्रांसपोर्ट में देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारे को IBM साइट लिंक ब्रिज दिल्ली मुंबई का साइट सब चीज बन गई। मतलब रेप्लिकेशन जो है फास्ट एंड क्विकली रूट सर्वर टू ADC होता है, ठीक है। आप स्काई डोमेन कंट्रोलर पर एप्लीकेशन कराना चाहते हो तो वो भी करा सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लिमिट होती है 24 आवर्स की, 24 आवर्स के अंदर वो एप्लीकेट करता है, ठीक है। अगर आप मैनुअली एप्लीकेट कराना चाहते हो तो आप अपने सर्वर पे जाओ NTDS सेटिंग्स पे, और यहाँ से आप जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है सर्वर के साथ यहाँ पे कनेक्शन, उस पर रेप्लीकेट नाउ पे क्लिक करके रेप्लीकेट कर सकते हो मैनुअली, ठीक है। ये हमारा रेप्लीकेशन टाइम, ठीक है, बस वैसे। और एक्टिव डायरेक्टरी साइकिल सर्विसेज ये रेप्लीकेशन के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसको आपको प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करना